ये लड़की अचानक अपने भाई के सिर को एक प्लास्टिक बैग से कवर कर देती है। लड़की को ऐसा करता देख लोला उसे तुरंत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़की जिसका नाम टीना है वो लोला को वापस बैठने का इशारा करती है। अब जैसे ही टीना के भाई का दम घुटने वाला था कि तभी टीना उस प्लास्टिक बैग को उसके सिर से हटा देती है। टीना लोला से कहती है कि ऐसा करके उन दोनों ने भगवान से उसके लिए प्रार्थना की है। उसी रात उनका कुत्ता टीना और उसके भाई को देखकर भौंकने लगता है, मानो जैसे कि उसने कुछ भयानक देख लिया हो। तभी अचानक वो कुत्ता लोला को काट कर वहां से भाग जाता है। हालांकि लोला अपने कुत्ते को कुछ नहीं कहती, लेकिन टीना और उसका भाई तो उस कुत्ते के बारे में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। देर रात ये दोनों लोला की नींद की गोलियां चुराकर उस कुत्ते के खाने में डाल देते हैं, जिसे खाने से वो कुत्ता जल्द ही बेहोश हो जाता है। कुत्ते के बेहोश होने के बाद ये दोनों इसे खींचकर लिविंग रूम में ले आते हैं। इसके बाद टीना अपने भाई के हाथ में एक चाकू थमा देती है, जिस चाकू को उस कुत्ते के शरीर में घोंप कर ये उसे मार डालता है। अगले दिन जब लोला जगी तो ये दोनों बच्चों को खून में लथपथ देखकर चौंक जाती है। तभी लोला अपने पति के साथ लिविंग रूम में आती है, जहां इन्हें इनका मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर लोला बुरी तरह रोने लगती है। लेकिन दोनों बच्चे लोला के पति को कहते हैं कि उन्होंने ये सब लोला के लिए किया था। उन्हें